चलो भाई देखिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं सिमिलरिटी। इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट ऑफ कितना दिया गया है, अपने को 5 दिया है। ठीक है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मींस देखिए गाइस जो अपने को क्वेश्चन दिया है इसमें कितने ट्रायंगल है गाइस, दो ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज कितने दिया है 10 एंड हाइट कितने दिया गया 6 दिया है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल अपने को पूछा है। मींस देखिए गाइस ये जो एरिया है अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी एक लाइन लिखना पड़ेगा हमको। देखिए लेट दी, ठीक है, लेट दी बेस हाइट एंड एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेट दी बेस हाइट एंड एरिया ऑफ ए फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ ए फर्स्ट ट्रायंगल इज बी, कौन सा से रहेंगे, बी वन रहेंगे ये, एच वन और क्या है ए वन है अपने पास। ठीक है, तो ये अपने को रिस्पेक्टिवली दिया है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट ट्रायंगल का हो गया गैस, अपने पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए सेकंड ट्रायंगल का भी लिखना पड़ेंगे ऐसे ही। लेट दी बेस हाइट एंड एरिया बेस हाइट एंड एरिया, ठीक है, ऑफ ए कितना कौन सा ट्रायंगल रहेगा गाइस, सेकंड ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ ए सेकंड ट्रायंगल ठीक है, ऑफ ए सेकंड ट्रायंगल बी कौन सा से रहेगा, बी टू एस टू और ए टू रहेगा, बी टू रहेगा एस टू और ए टू। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, दो ट्रायंगल का हमने लिख लिया। ठीक है, देखिए गिवन क्या दिया हमको, बी वन दिया है 9। ठीक है, देखिए सिमिलरली एच वन कितना दिया हमको, वो दिया है 5। ठीक है, और बी टू भी गिवन है गाइस हमको, देखिए बी टू कितना दिया है 10। ठीक है, सिमिलरली एच टू कितना दिया है 6। ठीक है, एक गिवन दिया था कैसे हम लोग को लिखना पड़ेगा, लिख लो गैस मैं ये मिटा दूंगा बाद में, लिख लो। हो गया गैस, लिखे जल्दी लिख लो। ठीक है, ये हो गया। देखिए इसके बाद देखिए गाइस एक लाइन और लिखना पड़ेगा अपने को, फाइंड आउट क्या करना है, एरियाज करना है। ठीक है, तो इसके बाद और एक लाइन लिख लो। देखिए द रेशो ऑफ एरियाज, द रेशो ऑफ एरियाज, ठीक है, ऑफ एरियाज क्या रहेंगे गाइस, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ट्रायंगल किसके किसके और बराबर रहेंगे गाइस, बेस और हाइट के बराबर रहेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू दी रेशो ऑफ दी प्रोडक्ट, रेशो ऑफ दी प्रोडक्ट दी रेशो ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर रहेंगे, बेस और हाइट के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करेस्पॉन्डिंग इसके बराबर रहेगा, हाइट के बराबर। करेस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, इस तरीके से लाइन लिख गए हमने। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए जो रेशियो ऑफ एरियाज है, एरियाज किसके बराबर है, बेस एंड हाइट के बराबर। ठीक है, तो हम देखिए कैसे एक लाइन लिखेंगे। देखिए ए वन डिवाइड बाय ए टू, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना था गाइस। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो इसका देखिए गाइस एक इसके बराबर है, बेस और हाइट के बराबर, ये अपने यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए बी वन इंटू क्या करूंगा गाइस, एच वन कर दूंगा। ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा गाइस, बी टू और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एच टू। ठीक है, इस तरीके से लिख लूंगा गाइस। तो देखिए हमारे पास बी वन और एच वन गिवन है,
और बी टू और एस टू भी गिवन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ठीक है, जो बी वन कितना दिया हमको, 9 दिया है, ये जैसे का वैसा लिख लेंगे, ठीक है, समझ गया। तो देखिए ये बी वन कितना दिया, 9, ठीक है, और एच वन कितना दिया हमको, 5, ठीक है, और बी टू कितना दिया गया, 10। सिमिलरली एस टू कितना दिया हमको, 6, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर दूंगा गाइस, देखिए ये आपका हो गया 45 और ये आपका कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो देखिए गाइस इसको अगर मैं भाग दूंगा तो ये देखिए इसको 15 से अगर 50 से अगर मैंने भाग दिया गया, तो 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर 3/4, ठीक है। तो देखिए गाइस जो आपको रेशो पूछा था, फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो रेशो आपको रेशो क्या निकला गया आपका, 3/4, ठीक है। तो इसको हम इस लेटर में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे फाइनल लाइन लिख लेना, दी रेशो ऑफ एरियाज, ठीक है, दी रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल ऑफ दिस ट्राइंगल कौन सा निकला गया, रेशो हमारा 3/4, ठीक है। और ये क्या गया आपका फाइनल आंसर, इस तरीके से इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, नोट डाउन कर लो गाइस। हेलो गाइस देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फिगर जो बीसी, देखिए गाइस ये जो बीसी है वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए एबी वाले लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, जो एडी है गाइस देखिए वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को, ठीक है। देखिए तो देखिए गाइस जो बीसी है हमको कितना दिया है, 4 दिया है, एंड एडी कितना दिया है, 8, ठीक है। तो बीसी अपन यहाँ पे लिख लेंगे 4, ठीक है, और एडी कितना दिया गाइस, वो दिया है 8, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। देखिए गाइस देन फाइंड एरिया ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ट्राइंगल ए डी बी अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है, बीसी अपने को फाइंड निकालना है गाइस, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, जो गिवन दिया गया है यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन क्या दिया गया, बीसी इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है, और एडी कितना दिया है, 8, ठीक है, ये अपने को गिवन दिया था। इसके बाद देखिए गाइस जो अपने ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी बी, ठीक है, देखिए इसका जो बेस है वो सेम है, ठीक है, ये जो ए बी है गाइस इसका बेस सेम है दोनों का, दो ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिख लेंगे लाइन, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, हैव, ठीक है, हैव दी कौन से रहेंगे, देखिए हैव सेम क्या लिखेंगे हम, बेस लिखेंगे, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, हैव सेम बेस, ठीक है, बेस कौन सा गैस, ए बी, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गैस ये होने के बाद देखिए अपनों फाइंड आउट क्या करना है, देखिए एरिया ट्रायंगल एबीसी और एरिया ट्रायंगल एडीबी अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे और एक लाइन लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए विद सेम बेस है, ठीक है, पर प्रोपोर्शनल किससे रहेंगे, हाइट से रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखो और एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल विद सम बेस, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ सेम बेस, ऑफ सेम बेस, ये किसके प्रोपोर्शनल रहेंगे, इस हाइट के प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू दी आर प्रोपोर्शनल टू दी करेस्पॉन्डिंग ऑफ हाइट के बराबर रहेंगे, ठीक है, टू दी करेस्पॉन्डिंग हाइट, करेस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। देखिए जो बेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए जो हाइट है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए गाइस इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है, ये समझ गया। तो इसके बाद देखिए गाइस जो हमने यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, देखिए लाइन जो बेस है, बेस कौन सा है हमारा, ए बी,
ठीक है, दोनों का बेस सेम है ठीक है। तो इसकी जो हाइट है गाइस वो करेस्पॉन्डिंग फिर से कर देंगे बेस से ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बीसी डिवाइड बाय क्या कर देंगे एडी, यहाँ पे बीसी लिखेंगे। बीसी कहां से है गाइस, देखिए जो एबीसी ट्रायंगल है ठीक है, ऐसे हमने इसकी हाइट ली है बीसी ठीक है। सिमिलर देखिए गाइस जो एडीबी ट्रायंगल है ठीक है, इसका हाइट कौन सी है एडी, मीन्स इसकी हाइट कितनी दी है एट ठीक है, ये समझ गया। तो इसके बाद देखिए गाइस मैं क्या करूंगा, ये जो बीसी है बीसी कितना दिया है मेरे को फोर गिवन दिया है ठीक है, और एडी कितना दिया है गाइस एट गिवन दिया है ठीक है। इसको मैं काटूंगा दो बार तो मेरा आंसर आ जाएगा वन डिवाइड बाय टू ठीक है, और ये क्या गाइस सबका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे और एक लाइन लिख लेना, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ठीक है डिवाइड में क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ए डी बी ठीक है, और आंसर कितना निकला गाइस वन डिवाइड बाय टू, और ये क्या आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, नोट डाउन कर लो इसको, सिंपल क्वेश्चन था गाइस जो गिवन दिया रहता है क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लेने का। इसके बाद देखिए हमको निकालना क्या था, देखिए एबीसी और एडीबी अपने को निकालना था ठीक है। बेस गिवन मींस देखिए गाइस जो हाइट थे, हाइट अपने को गिवन थी, तो हाइट अपन ने यहाँ पे लिख लिया गया दोनों की और उसका आंसर निकल गया ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर सेक पीएस, देखिए सेक पीएस और किसके प्रोपोर्शनल है आर क्यू के ठीक है। सेक क्यू टी जो क्यू टी है किसके प्रोपोर्शनल, देखिए सेक पी आर के ठीक है। इफ आर क्यू कितना दिया गया सिक्स, पीएस दिया सिक्स एंड पी आर दिया गया हमको ट्वेल्व ठीक है, देन फाइंड आउट क्या करना है अपने को क्यू टी ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे जो गिवन दिया हुआ यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है, ठीक है आर क्यू कितना दिया सिक्स पी एस दिया सिक्स ठीक है, एंड जो पी आर है पी आर कितना दिया ट्वेल्व ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस क्या फाइंड आउट करना है क्यू टी, तो मैं क्या करूंगा यहां पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखूंगा ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है गाइस देखिए वन डिवाइड बाय टू ठीक है इनटू क्या करेंगे जो बेस इनटू क्या कर देंगे हाइट कर देंगे ठीक है, ठीक है। तो देखिए गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको जो पी क्यू आर है ये सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू आर ठीक है, ये ट्रायंगल क्यों निकाल देगा इस क्यू भी देखिए हमने क्यू टी फाइंड आउट करना है ठीक है। तो देखिए वन डिवाइड बाय टू इंटू बेस कितना दिया गया हमको, देखिए आर क्यू हमारे पास सिक्स है, मीन्स ये पे एक लाइन और लिख लो आर क्यू इंटू हाइट कितना दिया है पी एस ठीक है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है इक्वल टू ठीक है, ये दिया हमको वन डिवाइड बाय टू इंटू देखिए जो आर क्यू है आर क्यू कितना गिवन दिया हमको सिक्स ठीक है इंटू, और पीएस कितना गिवन दिया गया सिक्स दिया ठीक है। तो देखिए ये हमारा थ्री बार कट जाएगा ठीक है, तो देखिए जो आंसर रहेगा हमारा कितना आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, देखिए कैसे हमारा 18 आ रहा है ठीक है, 18 आ गया आंसर ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगा स्क्वायर पर यूनिट ठीक है, ये समझ गए, इसे नोट डाउन कर लो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखिए गाइस हमको फाइंड आउट क्या करना है क्यूटी फाइंड आउट करना है ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे लिखो ऑल्सो ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए पी क्यू आर हमारा फाइंड आउट हुआ है ठीक है, मीन्स निकला है ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करूंगा यहाँ पे वन डिवाइड बाय टू हम पी क्यू आर दिख रहे गाइस, तो ठीक है तो मैं क्या करूंगा देखिए इनटू जो पी आर है गाइस वो किसको इंटर से कर रहा है देखिए, मीन्स प्रोपोर्शनल क्यू टी वो कर रहा है ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं पी आर इंटू क्या कर दूंगा गाइस क्यू टी ठीक है, ये समझ गया।
समझ गया गाइस। इसके बाद देखिए, देखो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है गैसे, हमको कितना कितना निकला है 18, वो 18 है पे लिख लेंगे इक्वल टू, ठीक है 1/2 इंटू, ठीक है जो पी आर है गैस, पी आर हमको गिवन दिया है 12, ठीक है और क्यू टी क्या करना है गैस, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है तो क्यू टी जैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है ये समझ गया। इसके बाद देखिए जो टू है, टू से मैं इसको क्या डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये 6 बार कर देगा, ठीक है देखिए क्यू टी इक्वल टू हो जाए, ठीक है फिर देखिए गाइस जो 6 है मेरा इसके डिवाइड में चलेगा, ठीक है देखिए मैं इसको क्या करूंगा 18 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा, मींस जो 6 था गाइस ये इसके डिवाइड में चला गया, ठीक है तो देखिए जो क्यू टी है गाइस इसका मेरा आंसर निकल गया 3, ठीक है 3 आंसर निकल गया गाइस और ये क्या आपका फाइनल आंसर, ठीक है आपको क्यू टी पूछा था क्यू टी निकल गया, ठीक है इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एपी, जो एपी है गाइस वो इसके प्रोपोर्शनल है बीसी के, ठीक है एंड एडी, देखिए गाइस जो एडी लाइन हो किसके पैरेलल है, बीसी वाली लाइन से पैरेलल है, ठीक है तो इस पर देखिए देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है तो देखिए गाइस मैं क्या सबसे पहले क्या करूंगा, जो फिगर में गिवन है सबसे पहले यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है देखिए गाइस अगर मैं फिगर को अच्छे से देखू तो जो ए ट्राइंगल है ए बी सी और बी सी डी इसकी जो बेस है गाइस वो सेम है, ठीक है तो मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख लूंगा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है एंड ट्राइंगल कौन सा गाइस बी सी डी हैव सेम बेस, सेम बेस, बेस कौन सा है बी सी, ठीक है ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से देखू, देखो मेरे को क्या दिया है पे, जो एडी लाइन है वो गाइस वो किसके पैरेलल है बीसी के, ठीक है तो वो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए द वर्टिकल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है एंड ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है देखिए द वर्टिकल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है ऑफ द टू पैरेलल लाइन, ऑफ द टू पैरेलल लाइन, यहां पे एक लाइन लिखना ट्रायंगल बीसीडी लाय ऑन द टू पैरेलल, ठीक है टू पैरेलल लाइन कौन सी लाइन है कैसे, एडी और बीसी, बीसी ठीक है ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल और बीसीडी ट्रायंगल अगर अच्छे से देखू गाइस तो देखिए दोनों की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है दोनों की हाइट जो है गाइस वो सेम है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है ठीक है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है हैव इक्वल हाइट्स, ठीक है ये समझिए गाइस। देखिए ये जो हाइट है ए बी सी ट्रायंगल की हाइट एंड बी सी डी ट्रायंगल की हाइट, ठीक है दोनों सेम है तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है ये समझ गया तो यहाँ पे लिख लो और एक लाइन ए बी और सी डी, बी सी भी लिख सकते हो आप ए बी एंड डी सी, ठीक है ये समझ गया। देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी हैव इक्वल हाइट, ए बी एंड डी सी की हाइट इक्वल है, ठीक है ये लिख लिया यहाँ पे। तो इसके बाद देखिए गाइस मैं क्या करूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यहाँ पे और एक लाइन लिख लेना एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ सेम बेस, विथ सेम बेस, ठीक है विथ सेम बेस
एंड क्या है गाइस, जो हाइट है वो भी इक्वल है, ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे वो एंड, ठीक है, एंड इक्वल हाइट, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो गाइस। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ सेम बेस, ठीक है, बेस भी सेम है गाइस और हाइट भी क्या है इक्वल है दोनों की, ठीक है, तो ये लिख लो। तो ये अपने क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, तो देखिए गाइस ये जो रेशियो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, 1:1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर देखिए गाइस अगर हमको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है तो हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, ये रेशियो है गाइस, तो मैं इसको रेशियो के हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखिए ये नेक्स्ट स्टेप, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, ठीक है, डिवाइड में आ जाएंगे गाइस, ठीक है, तो डिवाइड में मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी लिख लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, ये समझ गया। तो जो इक्वल में आएगा गाइस वन डिवाइड में वन ही आएगा, क्योंकि अपने पता है गाइस जो डिवाइड में रहता है उसके आगे क्या रहता है गाइस, वन डिवाइड बाय वन, मींस वो वन ही रहता है, मींस देखिए गाइस मैंने वन लिखा तो इसके नीचे हमेशा वन रहता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो देखिए गाइस मैंने इसलिए वहां पे 1:1 लिखा था, या ऐसा आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस हम इसको अगर रेशो के हिसाब से जो अपने को फाइंड आउट पूछा है इसको रेशो में लिखाएंगे तो इसका आंसर 1:1 रहेगा, ठीक है। देखो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे और एक स्टेप बढ़ा दिया, ठीक है, ये भी लिखो। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, रेशो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, इसका रेशो कौन सा रहेगा, इस फिर 1:1 रहेगा, ठीक है, और ये क्या है सबका फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, समझ गया, नोट डाउन कर लो गाइस इसको। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो इन द एडजॉइंट फिगर पी क्यू, ठीक है, देखिए इसे किसके प्रोपोर्शनल है, बीसी से, ठीक है, एडी, जो एडी है गाइस किसके प्रोपोर्शनल है, बीसी के, ठीक है, ये गिवन दिया अपने को। इसके बाद देखिए देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज, अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो 4 क्वेश्चन दिए गए इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए, देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं क्या करूंगा, देखो जो पी क्यू बी ट्राइंगल दिया गया, और देखिए नेक्स्ट ट्राइंगल दिया है पी बी सी, ठीक है, दो ट्राइंगल दिए गए, तो देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो तो यहां पर लिखूंगा गाइस, मैं जो गिवन दिया सबसे पहले वो लिखूंगा, देखिए ट्राइंगल पी क्यू बी, ठीक है, एंड ट्राइंगल पीबीसी, ठीक है, दो ट्राइंगल है, और इसके देखिए गाइस मैं अगर अच्छे से देखू जो पीबीसी ट्राइंगल है और पी क्यू बी ट्राइंगल है, ठीक है, इसके दोनों की हाइट देखेंगे तो सेम है पी क्यू, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा गाइस, देखिए हैव सेम हाइट, ठीक है, और हाइट कौन से गाइस, देखिए पी क्यू, ये समझ गया, ये समझ गया गाइस। इसके बाद देखिए मैं क्या करूंगा, इसके बाद और एक लाइन लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल हाइट, विद एरिया ट्राइंगल विद इक्वल हाइट है गाइस, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेंगे गाइस, बेस, ठीक है, देखिए आर प्रोपोर्शनल टू दी करेस्पॉन्डिंग, किसके रहेंगे गाइस, बेसिस के रहेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू दी करेस्पॉन्डिंग
करेस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, तो देखिए गाइस, करेस्पॉन्डिंग बेसिस मीन्स देखिए ये जो दो ट्राइंगल है पी क्यू बी और पी बी सी, इसके बेसिस अपने को करेस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं ये करूंगा, यहाँ पे देखिए ये लिख लो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू बी, ठीक है, एंड सेकेंड कौन सा है देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, ये समझ गया। तो देखिए गाइस ये दोनों के बेस कौन से रहेंगे, देखिए जो पी क्यू बी है इसका बेस कौन सा रहेगा गाइस, इसका बेस रहेगा क्यू बी, ठीक है, और जो पीबीसी है, पीबीसी ट्राइंगल है गाइस, इसका बेस कौन सा रहेगा बीसी, ठीक है। इस तरीके से इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड देखते हैं, देखो सेकंड देखिए गाइस क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है गाइस ए बी सी, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल देखिए गाइस कौन सा है ए बी सी, ठीक है, देखिए ठीक है, ये दोनों को अच्छे से देखेंगे, इस दोनों का बेस जो है वो सेम है, ठीक है, बेसिक है वो सेम बेस, ये समझ गया है वो सेम बेस है, मैं देखिए जो बेस है उसका कौन सा है बीसी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बीसी, ठीक है, ये समझ गया। तो इसके बाद देखिए गाइस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद सेम बेस वो किसके करस्पॉन्डिंग रहेंगे, जो इसकी हाइट है, ठीक है, देखिए पी बी सी, ठीक है, और इसका जो हाइट रहेंगे बीच में की, देखिए वो कौन सा है पी क्यू, और जो ए बी सी है उसके कौन से गाइस ए डी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस है, ठीक है, विथ विथ सेम बेस आर प्रोपोर्शनल किसके बराबर रहेंगे, हाइट के बराबर रहेंगे, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, देखिए प्रोपोर्शनल है जो बीसी के प्रोपोर्शनल कौन सा गैस पी क्यू, और देखिए सेकंड वाले ट्रायंगल में देखिए एबीसी जो ट्रायंगल है इसका प्रोपोर्शनल रहेगा एडी, ठीक है, प्रोपोर्शनल करिस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग हाइट्स मीन देखिए क्या दिया है, सेकेंड वाला ट्राइंगल देखिए मीन दोनों ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है पीबीसी, ठीक है, और नीचे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो देखिए सामने यहाँ पे क्या बोला है, जो प्रोपोर्शनल क्या है हाइट से, ठीक है, देखिए जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है पीबीसी, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल देखिए पीक्यू लाइन प्रोपोर्शनल है बीसी की, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीक्यू, ठीक है, सेम देखिए जो सेकंड वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसका प्रोपोर्शनल कौन सा रहेगा एडी, ठीक है, तो यहाँ पे एडी लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से कैसे सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करना था, ठीक है, अभी थर्ड वाला देखते गए, इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है, ये हो गया, देखो थर्ड वाला देखते हैं अभी, देखो थर्ड देखते हैं, ठीक है, थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए गाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दिया है ए बी और सी दिया है, ठीक है, और सेकंड देखिए
ए डॉट ट्राइंगल ए डी सी, ए डी और सी दी है, ठीक है। दो ट्राइंगल हमको देखना है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख लिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या है गाइस, ए डी सी है, ठीक है। और देखिए गाइस ए बी सी और ए डी सी ये दोनों का अच्छे से देखिए गाइस, तो इसकी जो हाइट है वो सेम है, ठीक है, हाइट सेम है गाइस। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखूंगा हैव सेम हाइट, हैव सेम हाइट। हाइट कौन सा एंगल इसके लिए देखिए, जो एडी है दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। देखिए तो मैं पे लिखूंगा हाइट सेम हाइट कौन सी रहेंगी, एडी, ठीक है, ये समझ गया। एबीसी और एडीसी, ठीक है, इसकी हाइट सेम है एडी, ठीक है। तो देखिए इस नेक्स्ट लाइन लिखेंगे यहाँ पे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए इसमें सेम सिमिलर है, जो थेरोटिकल है सो सेम ही रहता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सब भी इसमें सेम ही है। ये भी लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ सेम हाइट, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ, ठीक है, विथ क्या रहेंगे देखिए, विथ सेम हाइट रहेंगी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल करेस्पॉन्डिंग रहेंगे, सो बेस के प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है, उसी जो बेस है दोनों की सेम है, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सम हाइट, सेम हाइट, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू दी, इज प्रोपोर्शनल करेस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू देयर, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग क्या रहेंगे इस बेस, ठीक है। तो देखिए गाइस ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और सेकंड कौन सा ट्रायंगल है, एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए गाइस जो एबीसी ट्रायंगल है उसका जो बेस है गाइस, उसका कौन सा बेस रहेगा, फिर बीसी बेस रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए बीसी बेस लिख लेंगे, ठीक है, और जो एडीसी है, ठीक है, जो एडीसी है गाइस ट्रायंगल, इसका जो बेस है वो कौन सा रहेगा, फिर गाइस डीसी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डीसी लिख लेंगे, ठीक है, ये समझ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, इस तरीके से गाइस जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हम सॉल्व करें, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है, ये हो गया, नोट डाउन कर लो गाइस इसको। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए कह दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल दिया गया और सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू सी, दो ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखिए गाइस मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो देखो एडीसी और पी क्यू सी, ठीक है, तो देखिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दो ट्राइंगल जो है गाइस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ क्या रहेगा गाइस, जो बेस और हाइट है उसके करस्पॉन्डिंग रहेगा गाइस रेशियो, ठीक है, जो रेशियो रहेगा और बेस और हाइट के करस्पॉन्डिंग रहेगा, मीन्स देखिए देखो जो हाइट है गाइस वो डिफरेंट है, ठीक है, और बेस भी थोड़ा डिफरेंट है, मीन्स ठीक है। देखो तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले आप लिखूंगा गाइस रेशियो ऑफ एरियाज, ये भी एक लाइन लिखना, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल रहेंगे, ठीक है, इसमें क्या कौन सा ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, ठीक है, ऑफ टू ट्राइंगल ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू दी, इज इक्वल ठीक है, इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट,
ठीक है, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट गाइस ठीक है, ऑफ देयर बेसिस आर करेस्पॉन्डिंग किसके रहेंगे, हाइट के रहेंगे ठीक है, बेसिस आर करेस्पॉन्डिंग, बेसिस ऑफ आर करेस्पॉन्डिंग ठीक है, जो बेसिस है गाइस बेसिस आर करेस्पॉन्डिंग किसके रहेंगे, वो हाइट के रहेंगे ठीक है, ये समझ गया। तो इसके बाद देखिए गाइस, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, एडीसी देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, तो यहां पे लिख लेना एक लाइन और, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ठीक है, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा, पीक्यूसी, पीक्यूसी ठीक है, दो ट्रायंगल है। तो देखिए गाइस हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो बेसिस है करेस्पॉन्डिंग हाइट है ठीक है, दोनों के बेस देखिए, फर्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ठीक है, तो देखिए इसका जो बेस है गाइस वो किसके करेस्पॉन्डिंग है गाइस, हाइट के है ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, डी सी सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी सी लिखेंगे ठीक है, एक किसके बराबर है गाइस, जो हाइट देखिए, जो हाइट देखिए गाइस इसके वाले ए डी है, इसके करेस्पॉन्डिंग है हाइट के ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे ए डी, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस जो पी क्यू सी ट्रायंगल है, पी क्यू सी ट्रायंगल है ठीक है, इसका जो बेस है गाइस क्यू सी ठीक है, एक इसके अगर करेस्पॉन्डिंग रहेगा गाइस वो हाइट पी क्यू के करेस्पॉन्डिंग रहेगा ठीक है, ये समझ गया। इस तरीके से गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था ठीक है, नोट डाउन कर लो।